अंदर है, स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट जिसका सर फट चुका है, टीचर जिसका सर फट चुका है अस्पताल में है, और पुलिस जो बाहर खड़ी हुई है और सिर्फ एक कोशिश कर रही है कि कैंपस में कैमरा ना चला जाए, कैंपस में मेरे जैसे लोग ना चले जाए, ये हो रहा है। इस वक्त स्ट्रीट लाइट आप देख रहे हैं, जहां आप खड़े हैं पूरा बंद पड़ा हुआ है, स्ट्रीट लाइट बंद कर दी गई है और स्ट्रीट को बंद कर दिया गया, वहां उसको एक किलोमीटर दूर से स्ट्रीट को बंद कर दिया। तो एम्बुलेंस को बता रही है, हमारी साथी बता रही है अंजलि जी जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, आप बता रही हैं एम्बुलेंस को तोड़ा गया है, आप पूछिए इनसे कि क्या हो रहा है। और स्मैश किए गए हैं उसके ग्लासेस और अंदर जाने से रोका गया है, वापस भेजा गया है एम्बुलेंस को यहाँ से मेन गेट से। अंदर स्टूडेंट जख्मी है और एम्बुलेंस को अलाउ नहीं किया जा रहा है अंदर जाने के लिए। अंजलि भारद्वाज जी है नेशनल कैंपेन फॉर राइट टू इन्फॉर्मेशन की तरफ से। सर क्या आप लोगों की जेएनयू के वाइस चांसलर से कोई बात हुई इस पर हमने लेकर? अरे अगर आपके घर पे आपके बच्चों पे हमला हो तो आप क्या करोगे? पड़ोसी को बुलाओगे, आप पुलिस को बुलाओगे, चौकीदार को बुलाओगे? यहाँ पिछले 2.5 घंटे से इस कैंपस पे हमला हो रहा है, सारा देश इसकी वीडियो फुटेज देख रहा है, और पुलिस कैंपस के बाहर खड़े होके कोई कैमरा ना चला जाए, कोई अंदर जाके सच ना पता कर ले, उसको रोक रही है। और जब मैंने दरवाजे के उस पार खड़े हुए टीचर्स से बात करने की कोशिश की कि भाई क्या हो रहा है कैंपस में, और उन्होंने मुझे बताना शुरू किया कि देखिए यहाँ ये चीजें हो रही हैं, वो मुझे कुछ दिखा रहे थे। तो ऐसे में यहाँ के पुलिस के इंस्पेक्टर ने मुझे घसीटना शुरू किया, कहा आप यहाँ पे भड़का रहे हो लोगों को। मैं कहा मैं टीचर से बात कर रहा हूँ, आप भड़का रहे हो। मुझे खींचा और पुलिस की प्रेजेंस में यहाँ जो क्राउड है उसने आप सब लोगों के सामने मुझ पे हमला किया, मुझे गिराया, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, और उसके बाद फिर मुझे पुश करते हुए यहाँ दूर तक ले आए हैं। आप जाओ, और वो गुंडे अभी भी बाहर हैं। एक गुंडे हैं जो कि अंदर जाके लोगों की टांग तोड़ रहे हैं, और दूसरे गुंडे हैं जो बाहर खड़े होकर कैमरा को रोक रहे हैं और लोगों की आवाज को बंद कर रहे हैं। ये सच्चाई है। कौन जिन्हें आप कह रहे हैं कि जिन्होंने आप पर हमला करने की कोशिश करी है? वो पीछे हैं, आप अपना कैमरा घुमाइए और जाके देख लीजिए कौन लोग हैं। आपके सामने हुआ है, मुझे तो कहने की कोई जरूरत नहीं है। इनमें से कोई मेरा पहचाना हुआ चेहरा नहीं है, इनमें से कोई मेरा मित्र नहीं है। ऐसा कहते हैं कि एबीवीपी के हैं, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, इसमें से कोई चेहरा मेरा पहचाना हुआ नहीं है, लेकिन आपको इतना इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं है। कैमरा पलटिए, उन सबकी फोटो ले लीजिए। वो पुलिस जो कि जामिया में सबकी फोटो ले सकती है, वो पुलिस जो कि थोड़ा सा कुछ टूटने पे पता नहीं क्या कुछ कर सकती है, वो पुलिस अंदर जाके बच्चों को बचा क्यों नहीं सकती? इफ देयर वॉज ए वाइस चांसलर विद एनी कॉन्शियंस ही वुड हैव स्टेप डाउन अ ईयर एगो। This is the lowest. I am a student of this campus. मैं JNU का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने जिंदगी में जो कुछ हासिल किया है इस कैंपस में हासिल किया है, मैं इसलिए आया था यहाँ देखने के लिए क्या हो रहा है। और इस वक्त जो हो रहा है इस कैंपस के इतिहास का सबसे बुरा दिन आज है, और अगर ऐसे में वाइस चांसलर स्टेप डाउन न करें, मगर वाइस चांसलर तो छोटा मोहरा है, खेल तो ऊपर से खेला जा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं। सर इसको लेकर कल कुछ आप लोग करेंगे, क्योंकि काफी छात्रों को चोट आई है। इस वक्त हमारी पहली चिंता है कि जिनको चोट आई है उनको अस्पताल ले जाया जाए, एम्बुलेंस को आने दिया जाए, जो बच्चे चोट खा के भी अपने कमरे में चुपचाप से डर के बैठे हुए हैं उनको बाहर आने दिया जाए, जो बच्चे लाइब्रेरी के अंदर जाके छुप गए हैं उनको बाहर लाया जाए, कैंपस में शांति आए, और वो जो 50-60-70 गुंडे जो पिछले 2.5 घंटे से इस कैंपस में घूम रहे हैं उनको पकड़ा जाए, ये पहला काम होना चाहिए। बाकी सब राजनीति, प्रोटेस्ट, बयान सब बाद में हो जाएंगे, लेकिन ये तो सबसे पहला काम है। ठीक है सर, स्टूडेंट मूवमेंट कहाँ जाएगी आपको लगता है? स्टूडेंट मूवमेंट जो वी सीन 44-50 कैंपसेस इन इंडिया प्रोटेस्टिंग इन रीसेंट टाइम्स, वेयर डू थिंक द स्टूडेंट मूवमेंट इज नाउ गोइंग टू हेड? मुझे लगता है द यूथ आर लाइक ए स्प्रिंग, द मोर यू प्रेस देम द मोर दे स्प्रिंग बैक। आई सस्पेक्ट समथिंग सिमिलर इज गोइंग टू हैपन। योगिंदर हमारे साथ हैं, मीडिया और पुलिस की मौजूदगी में।